इसरो एक एक करके नई माइल को अचीव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मंगलयान चंद्रयान सूर्यान सो वाट नेक्स्ट हे स्पेस इन साइंस लवर दिस इज एन्नत एंड यू आर वॉचिंग एन डॉट डॉटिक सो आज हम लोग बात करेंगे इसरो के फ्यूचर मिशन के बारे में नाउ द फर्स्ट वन इज एक्सपोसाइट जो कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट होगा जो स्टडी करेगा ब्लैक होल पल्सर सुपरनोवास बेसिकली जिनमें से हाई एक्सरे एनर्जी इमिट होगा ना एक्सपोसेट उनकी स्टडी करेगा द वन गगनयान वन एंड गगनयान टू मिशन मैं काफी ज्यादा पर्सनली एक्साइटेड हूँ गगनयान मिशन के लिए सो so बेसिकली यह एक अनक्रूड ऑर्बिटल स्पेस मिशन होने वाला है इसमें दो फ्लाइट टेस्ट होंगे जो कि नेक्स्ट गगनयान थ्री मिशनस के लिए किए जाएंगे जिसमें स्पेस क्राफ्ट के डॉकिंग कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाएगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और रीडिंग रहेंगे उनको यूज में लिया जाएगा नेक्स्ट गगनयान थ्री मिशन के लिए और साथ में ही एक ह्यूमेनाइट रोबोट जिसका नाम वे मित्र है उसके भी कैपेबिलिटीज़ को हम लोग टेस्ट कर पाएंगे नाउ द थर्ड वन इज़ निसार जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा इसरो और नासा के बीच में सो बेसिकली निसार एक डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपेचर राडार है जो एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होगा और इस सेटेट का जो बेस्ट पार्टी की पहली डुअल बैंडलाइट होगी जो अर्थ को ऑर्बिट करेगी नाउ दुक्रिया बोल सकते हो सो बेसिकली यह एक ऑर्बिटल मिशन होने वाला है जो की वीनस के एटमोसफेयर को स्टडी करेगा तो मैं आपको बता दू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन हो सकता है क्योंकि अगर आप एक्सो प्लान मिशन करते हो ना तो डेटा काफी छुल हो सकता है आपके लिए टू। आप इसे मॉम भी भी बोल सकते हो। मंगलयान मंगलयान के बारे में में कौन नहीं जानता है? है। 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 इसी का होने वाला है। जैसे वन में एक एक था, तो यहां पर भी एक मिशन है। तो पर ये कुछ ऐसे आ रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि ये एक ऑर्बिटल के साथ एक ये लैंडर प्लस एक रोवर का मिशन हो सकता है अगर ऐसा होता है पूरा भारत सेलिब्रेट करने वाला है तो बेसिकली यह क्रू ऑर्बिटल स्पेस मिशन होने वाला है जिसमें तीन एस्ट्रोनॉट अप्रॉक्स सात दिनों के लिए स्पेस लेबोरेटरी या फिर स्पेस ऑब्जर्वेटरी में रहकर रिसर्च करेंगे और ये इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है जो कि पूरा भारत इसे सेलिब्रेट करने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस लॉन्च का मैं विटनेस बनूँ नाउ द नेक्स्ट वन इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि बेसिकली एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा जापान की स्पेस कंपनी जक्सा और इंडिया की स्पेस कंपनी इसरो के बीच में सो so, यह एक मून मिशन होने वाला है जिसमें जो लैंडर है वो इंडिया डेवलप करेगा और रोवर जापान डेवलप करने वाला है सो बेसिकली ये फोकस होगा जो मून का साउथ पोल रीजन है उसको एक्सप्लोर करने में नाउ द लास्ट वन इज एस्ट्रोसेट टू मिशन फरवरी 2018 में इसरो ने एस्ट्रोसाइट वन को लॉन्च किया था बस वो उसी का सिमिलर एस्ट्रोसाइट टू है सो so बेसिकली एक मल्टी वेबलेंट स्पेस टेलीस्कोप होने वाला है जिसमें हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स या फिर कॉस्मोलॉजी में तो so, ये सारे जो मिशन हैं ना इसरो ने प्लान कर रखे हैं और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मिशन पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट और इसरो का वीडियो तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता ही है तो प्लीज़ शेयर कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद